स्टार्ट करते हैं और रिवाइज करें, बहादुर शाह वन या फिर शाह आलम वन 1707 से लेकर 1712 का पीरियड, इसने साहू को रिलीज किया। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं था, साहू आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। इसने फूट डालने के लिए मराठा उसके बीच में फूट डालने के लिए साहू को रिलीज किया, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कैसे फूट डाली, क्योंकि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी जेल में राइट, और वो उस पर्टिकुलर मराठा की गद्दी का मतलब आप ये कह सकते हो कि एक मतलब वारिस कि जिसको उस गद्दी मिलनी चाहिए उसकी जगह किसी और वो गद्दी मिल गई, तो इसने जानबूझकर छोड़ा बहादुर शाह ने साहू को कि ये जाए और जाकर लड़ाई लड़े, और इंटरनल क्राइसिस जो है वो मराठाओं के बीच में होना शुरू हो रहा है। बात समझ रहे हो, ये आगे चल के पढ़ेंगे मराठा का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहू का। हाँ ये बेसिकली मतलब वो गद्दी उसको मिलनी थी राइट, वो डिजर्व करता था, वो उसको डिजर्व इन द सेंस कि उसके पापा की वजह से उसको जो है वो मिलनी थी, बट द पॉइंट इज दैट उसको मिली नहीं क्योंकि ये जेल में बंद था मुगलों की, दूसरे को मिल गई। इसने जैसे ही छोड़ा तो वहां पर इंटरनल क्राइसिस मराठास के बीच में शुरू हो गए आपस में, जैसे मराठास हम लोग को देखने को मिलते ना कि सिंधिया हुआ, भोसले हुए, होलकर्स हुए, सब लड़ने लगे। ये एक इश्यूज हम लोग को देखने को मिले, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, बहादुर शाह वन ने रिलीज किया साहू को मराठा के बीच में फूट डालने के लिए, इसको एक टाइटल मिला शहंशाह बेखबर, और ये टाइटल दिया खाफी खान ने। किसने दिया, खाफी खान ने ये टाइटल जो है वो दिया शहंशाह बेखबर। इसने शांति मेंटेन करी किसके साथ, बुंदेलास के साथ, जाट्स के साथ, चुरामंस के साथ, है ना, चौहान चुराम चौहान सही है राइट, दिल्ली वाले। फिर इसके अलावा इसने कॉम्प्रोमाइज और कंसिलेशन की पॉलिसी जो है वो रखी, मतलब राजाओं के साथ ये बोलता था कि नहीं भाई हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना, ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसने सरदेशमुखी मराठा को दे दिए बट चौथ नहीं दी, चौथ क्या होता है 1/4 यानी कि 25% टोटल टैक्स, यानी कि प्रोड्यूस जो भी प्रोड्यूस प्रोडक्शन हो रहा है उसका 25% टैक्स जो है वो लिया जाएगा। सरदेशमुखी क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स सेज होता है, मतलब कि 10% किस पर, चौथ पर, चौथ पर 1/10 या 10% जो है वो लिया जाएगा। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला औरंगजेब की जो कट्टर नीति थी राइट, कौन सी धार्मिक नीति, कट्टर नीति थी उसकी, है ना, बिल्कुल भी मतलब इस्लाम पर ही फोकस करता था, नॉन इस्लामिक लोगों को मारता था, उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया राइट। फिर इसने मनसबदारी दे दी गुरु गोविंद सिंह को, इसका मतलब ये कि सिखों के साथ जो है वो इसने अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन जो है वो किए। फिर इसके बाद आता एक बंदा जहंदर शाह 1712 से 1713, मतलब एक साल के लिए था बस ये, क्यों, क्योंकि बेवकूफ था राइट, ये भी बिल्कुल मस्ती खोरी में रहता था, ये पोएट था, इसने इसकी पोएम जो होती थी मौज के नाम से पोएम जो है लिखता है, नहीं पोएम लिखने के बाद नीचे मौज लिख देता था कि मौज में है राइट, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं थी, बेकार, दिन भर मस्ती चाहिए राइट, वो शांति चाहिए, बट सही मस्ती तो मोहम्मद शाह रंगीला ने ली थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, मतलब रिवाइज करेंगे, पढ़ लिया। फिर इसने एक नया सिस्टम जो है वो रेवेन्यू फार्मिंग का शुरू किया जिसको बोलते हैं इजारादारी सिस्टम। इजारादारी सिस्टम का मतलब यह है कि आप मिडिल मैन जो होता है, यानी कि एक मिडिल वाला, आप ये कर लीजिए राजा है राइट और किसान है, उसके बीच में उन्होंने एक व्यक्ति को रख लिया और फिक्स कर लिया, मतलब उस व्यक्ति ने किसानों के साथ कि मैं आपसे इतना पैसा जो है वो वसूलूंगा, मतलब और इतना पैसा गवर्नमेंट को जाना है। अब ये मिडिल मैन गवर्नमेंट के साथ अलग अलग डील करता है, मतलब गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए और ये मिडिल मैन जितना चाहे उतना अमाउंट जो है वो किसानों से छीन सकता है, मतलब ले सकता है। तो ये एक प्रकार का सिस्टम शुरू किया जो कि जिसके कारण किसान जो है वो बेचारे काफी परेशान रहे, यही सब टाइम पीरियड था, इसके बाद से किसानों के लिए परेशानी बढ़ना शुरू हो गई। फिर एक लड़ाई होती है 1713 में आगरा में, लड़ाई होती है जहंदर शाह और उसका भतीजा फारूक शियार इसके बीच में। फारूक शियार की मदद करी थी किसने, सैयद ब्रदर्स ने, जिन जो सैयद ब्रदर्स हैं वो कौन है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। अब यहां से टाइम पीरियड शुरू हो गया किंग मेकर्स का, किंग बनाने का राइट, कि मतलब किंग मेकर्स का टाइम पीरियड शुरू हो रहा है कि दो लोग जो है वो मिलकर बेसिकली एक पपेट रूलर को बिठा रहे हैं, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो रूलर जो है वो कर रहा है। तो इसने फारूक शियार को जो है वो गद्दी पर बैठा दिया। अब एक कुछ और चीजें हम बात करें, जहंदर शाह एक्चुअली में जहंदर शाह रूल करता था जुल्फिकर खान के बिहाफ, मतलब जुल्फिकर खान रूल करता था जहंदर शाह के बिहाफ, मतलब ऐसा समझो कि जहंदर शाह राजा है और जुल्फिकर खान उसका वजीर है, बट वो मेनली राजाओं वाला काम करता है राइट। तो मेन काम जुल्फिकर खान करता था, इसलिए इसको प्रॉक्सी रूलर कहते थे, ये वजीर था जहंदर शाह का। इसने बेसिकली टाइटल दिया जय सिंह, अंबर का जय सिंह जो था, अंबर मतलब जयपुर वाला क्षेत्र, और अजीत सिंह जो मारवाड़ का था जो जोधपुर वाला क्षेत्र, तो इन दोनों को टाइटल दिया। जय सिंह को टाइटल मिला मिर्जा राजा सवाई का और अजीत सिंह को टाइटल मिला महाराजा का। इसने बेसिकली मराठा सरदार को जो है वो सरदेश और चौथ के अधिकार जो है वो दे दिए राइट। फिर इसके अलावा इसने शांति बुंदेलास के साथ करी, बट सिखों के साथ जो है वो इसकी बनती नहीं थी,
राइट। और फिर इसके अलावा मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम में इसने कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आया, बेटर करने की कोशिश करी। जिजिया को अपॉलिश कर दिया, क्या होता है जिजिया, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उसको बंद कर दिया। फिर फारूख शियर आया, फारूख शियर बच्चा, इसने जुल्फिकर खान को मार दिया। कौन जुल्फिकर खान? वजीर, वजीर किसका? वजीर जहंदर शाह, इसके चाचा का, बिल्कुल सही जवाब, फारूख शियर का चाचा जहंदर शाह, जिसको इसने निपटाया आगरा के अंदर। कब निपटाया था? 1713 में, और 1713 में ये गद्दी में आया, चार साल तक ये गद्दी में रहा, 19 तक। फिर हम लोग को क्या चीज देखने को मिली, बंदा बहादुर को इसने जो है वो कब्जे में ले लिया था और मार दिया था, और इसने जो है इसको मारा गया सैयद ब्रदर के द्वारा। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने इसको गद्दी पर बैठाया था, यानी कि सैयद ब्रदर ने फारूख शियार को गद्दी पर बैठाया, और सैयद ब्रदर ने ही फारूख शियार को मारकर मोहम्मद शाह रंगीला को जो है वो गद्दी पर बैठा दिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। फिर 1717 में एक इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करें, तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1717 में क्वेश्चन पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कोर्ट में गई थी 1717 में? फारूख शियार, है ना। और कौन व्यक्ति था? जॉन सुरमन व्यक्ति था। एक स्टोरी चलती है, एक डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन, फारूख शियार बीमार पड़ गया था, या दूसरी स्टोरी बोलती है फारूख शियार की बेटी जो है वो जल गई थी, तो ये डॉक्टर ने आकर सर्जरी वगैरह करी थी, उससे ये फारूख शियार खुश हो गया था, और खुश होकर उसने बोला कि लाओ मैं कंपनी को जो है वो क्या दूंगा, कुछ गांव गांव के अधिकार जो है वो दे दूंगा, यानी कि कुछ टेरिटरी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, हैदराबाद, गुजरात। और इस चीज को कहा जाता है, इस फरमान को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा ये खत्म, इसने भी जिजिया जो है वो अबॉलिश कर दी। अब आता है अपना रंगीला नशेड़ी भाई, इसको म्यूजिक का शौक, डांस का शौक, लड़कियों का शौक, एल्कोहल का शौक, अफीम का शौक, इन्हीं सब शौक के कारण ये व्यक्ति को कहा गया रंगीला, राइट, रंगीला व्यक्ति। इवन इसमें एनिमल फाइट नहीं लिखा, ये भी एनिमल फाइट भी एक लिख लेना, इसमें ये एनिमल्स को बुलाकर, जानवर को बुलाकर लड़वाता था, ताली बजाता था, अरे वाह मेरा जानवर जीत गया। अब सोचो राजा में ये क्वालिटी राजा के लिए सूट करती है क्या? एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुबह से लेकर रात तक बार में बैठा रहे, क्या चलेगा, नहीं काम हो पाए क्या? ये नहीं, ये चला, इसके मजे बहुत चले, क्योंकि ये 1748 तक था, 1719 से 1748 लंबे टाइम पीरियड तक चला। इसके मरने की स्टोरी बहुत बढ़िया है, डेथ की लिखवाया क्या मैंने? थोड़ा बहुत हाँ लिखवाया था। चलो आते हैं, इसने जिजिया को हमेशा के लिए बंद कर दिया, इसने पिलग्रिमेज टैक्स भी बंद कर दिया, मतलब कि जो लोग बाग धार्मिक जगह पर जाते हैं नॉन मुस्लिम्स उनको टैक्स देना पड़ता था, सब बंद कर दिया। फिर सैयद ब्रदर ने इसकी हेल्प कर दी, जैसे मैंने आपको बताया गद्दी पर जो है वो बैठने के लिए। अब इसकी मौत बड़ी कार्टून टाइप की हुई, ये एक तो नशा, नशे, मैंने आपको बताया नशे पत्ती वाला आदमी, अब मरेगा कैसे भाई? अब जो ज्यादा नशा कर लेता है वो उस जोन में चला जाता है, राइट। अब हुआ ये, एक लड़ाई हुई बैटल ऑफ मनुपुर 1748 में, इस पर्टिकुलर बैटल में मुगल आर्मी जो है वो जीत गई, और मुगल आर्मी जब जीती तो काफी सारे सोल्जर्स मर गए थे, तो ये व्यक्ति रोने लगा कि मेरे इतने भाई लोग मर गए, राइट, नशे में एकदम खतरनाक, ज्यादा पी ली, रोने लगा, उपवास वगैरह कर लिया, अपने आप को 3-4 दिन तक कमरे में बंद कर दिया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, और रोते रोते बोलते मर गया ये। अब देखो राजाओं पर ये रोना वोना सूट नहीं करता है, राइट। जैसे होता है कि मतलब स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, लड़की छोड़ के चली गई रोने लगे, वो सब राजाओं में सूट नहीं करता। सो कंस्पायर टू किल, अच्छा ये इसने वो किया, साजिश रची कि सगीत ब्रदर को मार देते हैं, चलो। अरे मतलब अब नशे वाला आदमी कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी, तो मार दिया ना, निपटा, नोबल से मिलकर निपटा दिया, निजामुल मुल्क से मिला निपटा दिया। फिर निजाम जो था वो इनका वजीर था, वो पावर में आ रहा था, जिससे बोला जाओ बेटा तुम नशे दूर रहो, क्योंकि इसको डरा दिया था लोगों ने, इसके दूसरे नोबल ने, कि ये निजाम मारेगा तुम्हें, बोलता नहीं नहीं तुम जाओ, तो इसको हैदराबाद दे दिया। नहीं छोड़ा, निजाम ने कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित नहीं किया। फिर इसके अलावा बंगाल क्षेत्र इसके अंडर इंडिपेंडेंट हो गया, इसने बोला कि क्या नशेड़ी राजा है, दूर रहकर मैं अपना काम करता हूँ, राइट। अवध इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। एक बाजीराव वन जो था उसने दिल्ली पर कब्जा किया था, 500 घुड़सवार को लेकर आ गया था। नादिर शाह के टाइम पीरियड पर इसको बंदी बना लिया गया था, इसको जेल में बंद कर दिया था, कुछ समय तक जेल में दारू पी इसने, राइट। तो ये था, नादिर शाह आया था ईरान से, यानी कि पर्शिया से, और बैटल ऑफ करनाल हुआ जिसमें नादिर शाह जो है वो जीत गया, इंडिया में था, हाँ वो 57 नहीं, मतलब करीब 30-31 महीने के लिए तो बंद होगा कम से कम। अब उनकी भी जेल है भाई यार, राजा की जेल ऐसी थोड़ी ना होती कि जैसे कैदियों की होती है, उनकी जेल अलग रहती है, मतलब हाउस अरेस्ट टाइप का होता है वो, कि भाई तुम्हें सब व्यवस्था देंगे, जो तुम्हें चाहिए बोलो। अब वो तो वैसे भी अपने हाउस अरेस्ट ही था, उसको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा, बट ठीक है,
कोई बात नहीं, हमें तो यहां से वहां जाना है बस, फिर हम रहेंगे यहीं पे। तो ऐसा था मेरा डाउट था। रंगीला तो पूरा दिन नशे में रहता था, तो उसके राज्य राज्य कौन चलाता था? ये सैयद ब्रदर्स चला रहे थे ना, फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट लोग निजाम हो गया, गवर्नर्स। देखो क्या होता है, राज्य चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आप लोग होते हो, जैसे पॉलिटिशियन, वो मजे करेंगे। उनका काम तो सिर्फ ये मजे करना, जनता के सामने हाथ जोड़ने, एक बार जैसे ही वो पावर में है, मजे ही मजे उनके। काम कौन कर रहा है? आप लोग करोगे। तो ये वो चीज है, क्लियर हुआ गीता?